Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe at home. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये स्मोकी आई लुक यूजिंग काजल एंड अ क्यू टिप. एंड ये वेरी ईजी प्रोसेस है. सो अगर आपको जानना है कि कैसे मैंने क्रिएट किया है, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. बट येस, बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड ये गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मैं एक कंसीलर अप्लाई करूँगी. वेल, ये कंसीलर अप्लाई करने वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है. आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो. मैं इसे करती हूँ बिकॉज इससे आई फील दैट मेरा जो स्मोकी आई वो ज़्यादा देर तक लास्ट करता है. तो मैं इसे अच्छी तरह से मैं आईलिड को ब्लेंड कर लूँगी आईलिड के ऊपर. एंड इसके बाद मैं स्ट्रेच करूँगी ताकि क्रीज ना करे. एंड फॉर दैट मैं यहाँ पर लूज पाउडर लूँगी पिटनी का. एंड आप कोई भी कॉम्पैक्ट से कोई भी लूज पाउडर से सेट कर सकते हो अपना कंसीलर को है. एंड उसके बाद आप ऐसा काजल यूज़ करें जो जल्दी से यू नो ब्लेंड करने में आसानी हो. तो मैं यहाँ पे नाकर अगलाइन काजल यूज़ करूँगी. ये जल्दी से ड्राई आउट नहीं होता, तो इसलिए ब्लेंड करना इसे बहुत ही इजी हो जाता है. तो मैं इसे एक थिक लाइन ड्रॉ करूँगी अपनी आई लिड पे. आप देख सकते हो मैं थिक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. एंड उसके बाद आपको एक क्यू टिप से इसको ब्लेंड करना है. एंड आपको क्रीज के ऊपर नहीं जाना है गाइस, क्रीज के नीचे से आपको शुरू करना है. क्योंकि ये स्मोक आउट होने के बाद आप वापस अगर रब करना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा. सो ऑलवेज़ ट्राई टू रिमेंबर दैट कि आपको क्रीज के अंदर ही काम करना है. पूरी आईलिड पे इसी तरह से स्प्रेड कर ले, ब्लेंड कर ले क्यू टिप के हेल्प से. एंड इसके आप देख रहे हो मैं क्रीज के नीचे ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ. मैं इसे बस अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, मैं इसे बाहर की तरफ नहीं जा रही हूँ. सो मैं बहुत ही धीरे धीरे करके मेरा जो आईलिड के पूरा ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ काजल को. ये फर्स्ट टाइम करने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. फिर से आपको अगर और थोड़ा इंटेंसिटी चाहिए तो इसके बाद आप फिर से काजल अप्लाई कर सकते हो, जितने चाहिए आप कर सकते हो. बस ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आप देख रहे हैं मैं अपने आई शेप को फॉलो कर रही हूँ. एंड मैं फिर से काजल लूँगी एंड मेरे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी आई लिड के ऊपर. एंड मैं अपने अपर वाटर लाइन को भी अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस कि आप अपने वाटर लाइन को भी टाइट लाइन कर, जब आप स्मोकी आई कर रहे हो खास करके. फिर मैं काजल को अपनी लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, 1/3 वाटर लाइन पे, लैश लाइन पे. एंड इसको फिर से मैं क्यू टिप के हेल्प से फिर से मश करूँगी. एंड मेरे ऊपर वाले पार्ट से मैं इसे ज्वाइन भी कर लूँगी कॉर्नर से. इसके बाद हम करेंगे क्रीज कलर अप्लाई. तो इसके बाद आप कोई भी ब्राउन आई शेडो ले लीजिए. मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो ले रही हूँ. एंड ब्राउन शेडो को लेके मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज पे इसे अप्लाई करूँगी ताकि ना और थोड़ा स्मोक्ड आउट एंड परफेक्ट लगे ये लुक. एंड मैं इस क्रीज पे देख रही हूँ मैं सर्कुलर मोशन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड भी कर रही हूँ सर्कुलर मोशन पे. तो अच्छी तरह से आप टाइम लेके इसे ब्लेंड कर ले. एंड पहले ऑलवेज लाइट कलर से स्टार्ट करें. अगर आपके पास लाइट ब्राउन हो तो बहुत ही अच्छा है, पहले उससे स्टार्ट करो, उसके बाद भी कोई डार्क ब्राउन शेड लगाओ. तो मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से थोड़ा सा स्मोक आउट इफेक्ट देने के लिए. स्मोकी आई में ना अगर ब्लेंडिंग अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो टाइम लेके ब्लेंड ज़रूर करना. इसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड मैं फिर से मेरे आउटर वी पे क्रीज लाइन पे से अप्लाई करके मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी. एंड आप चाहे तो यहीं पर रुक सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और इंटेंसीफाई करना है तो इसलिए आई एम डूइंग इट. फिर इसके बाद फाइनली मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा एंड मैं अपने अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी. क्योंकि मैं कोई भी फॉल्सीज नहीं अप्लाई करने वाली, तो इसमें अच्छी तरह से क्योंकि 2-3 कोट्स में अप्लाई करूँगी. एंड फिर लास्ट में फिर से एक बार काजल अप्लाई कर लूँगी. एंड दैट्स इट गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी. एंड आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, बहुत जल्दी हो भी जाता है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये लुक कैसा लगा. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल.